हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक मतलब ऐसी प्रॉब्लम है किचन की जो शेयर कर रही हूँ। किचन क्या, घर में कहीं भी छोटे बड़े कई किस्म के कॉकरोच घूमते रहते हैं, और जैसे कि अब बारिश का मौसम है तो कॉकरोचेस कुछ ज़्यादा ही आ जाते हैं। तो इसके लिए आज मैं आपके साथ एक लाई हूँ मेथड कि किस तरीके आप इन कॉकरोचेस को घर से भगा दें। वो मतलब ऐसे घर से गायब होते हैं इसको यूज़ करने के बाद, इस मेथड को अप्लाई करने के बाद, कि आपको कई महीने, 3 से 4 महीने तक आपको कॉकरोच घर में दिखेगा ही नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने सबसे पहले लिया है मार्केट से, मैंने मंगवाया था बोरिक एसिड। आप इसको मतलब किसी भी केमिस्ट की शॉप से मिल जाएगा, ये बहुत कॉमन है। और ये मैंने लिया है कच्चा दूध, और जितनी क्वांटिटी मैंने बोरिक पाउडर की लिया है, सपोज मैंने ये 2 चम्मच लिए हैं तो मैंने 2 चम्मच ये आटा लिया है, जो गेहूं का आटा नॉर्मल जो हम रोटी बनाने के लिए यूज़ करते हैं। और मेरा ये दूध जो मैंने लिया है ये बिल्कुल कच्चा दूध है, आप कोई भी कच्चा दूध ले सकते हैं, लेकिन बस होना मतलब रॉ मिल्क ही होना चाहिए। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने क्या करना है, इन दोनों आटे को और बोरिक पाउडर को आपस में मिक्स कर देना है, अच्छे से मिक्स करके। और हम इसको जैसे कच्चा दूध मतलब जैसे हम आटा गूंथते हैं ना, उस तरीके से हम पानी यूज़ नहीं करेंगे, बिल्कुल भी एक ड्रॉप भी पानी नहीं। हम इसको इस कच्चे दूध के साथ आटे की तरह गूंथ लेंगे। थोड़ा थोड़ा आप डालिएगा, क्योंकि फिर ज़्यादा हो जाएगा तो आपको और क्वांटिटी मिक्स करनी पड़ेगी। तो जिस तरीके से हम आटा गूंथते हैं सेम एग्जैक्टली वैसे ही हम इसको करेंगे। ये देखिए, ये मैंने आटा इसका बस गूंथ ही लिया है, इस तरीके से जैसे हम नॉर्मल आटा गूंथते हैं उसी तरीके से इसको रेडी कर लेना। ये देखिए, मैंने आटा इसका इस तरीके से पेड़ा बना लेना गूंथ के, और उसके बाद मैंने इसी की ऐसी छोटी छोटी सी ना बॉल्स बना ली हैं, काफ़ी छोटी सी। तो जहाँ जहाँ आपको लगता है कि आपके किचन में या रूम में या फ्रिज में, बाथरूम में, कहीं भी आपको लगता है कि कॉकरोच हैं, आप इन गोलियों को वहाँ पर लगा दीजिए। आप इसको इस तरीके से जहाँ पे कॉकरोच लगे ना, ऐसे करके किसी वॉल पर, किसी ड्रॉर की साइड में इस तरीके से पेस्ट कर दीजिए। बेड के नीचे आप इसको ऐसे ही मतलब थ्रो कर दीजिए बॉल को, तो आपको किचन से, आपके घर से ही कॉकरोच चला जाएगा, ये मेरी गारंटी है। मैं इसको पिछले 2 सालों से यूज़ कर रही हूँ इस मेथड को, और मुझे कॉकरोच नहीं मिलता, मतलब मैंने देखा ही नहीं कितने टाइम से कॉकरोच। और अब मतलब मैं हर 3-4 महीने बाद ना मैं इसको ऐसे बना के डाल देती हूँ, तो वो कॉकरोचेस आते ही नहीं है। तो आप एक बार ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और ट्राई करके अगर आपको ये मेरा मेथड अच्छा लगे, पसंद आए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि आपके घर से कॉकरोच गए कि नहीं गए। क्योंकि आप कोई भी स्प्रे यूज़ कर लीजिए, कुछ कर लीजिए, 2 या 3 दिन बाद कॉकरोच वापस आ ही जाते हैं। बट इससे मेरी गारंटी है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब कर देना अगर आपके किचन से कॉकरोच या आपके घर से कॉकरोच ना जाए तो।